We are doing well. आज हम protected cultivation के बारे में detail में discuss करेंगे. Protected cultivation होता क्या है और उसको हम कैसे practice करेंगे और उससे हम कैसे बहुत ज़्यादा profit कमाएंगे. देखिए हम पहले protected cultivation के बारे में थोड़ा सा hint दे देता हूँ. Protected cultivation is in relation with greenhouse. Okay. Greenhouse में हम protected cultivation करते हैं. पहले ये चीज़ समझ लीजिए. Protected cultivation हम open field में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमको माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा. ग्रीन हाउस के अंदर हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन कर सकते हैं. सो इसीलिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रीन हाउस. सो एक माइक्रो क्लाइमेट हम बनाते हैं ग्रीन हाउस में, मतलब मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सब हम कंट्रोल करते हैं अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन. प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में एंश्योर आप क्या क्या करेंगे, पहले तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है. जो ग्रीन हाउस के अंदर आप करेंगे, मॉइस्चर तो कंजर्व होगा ही होगा और मॉइस्चर को हम कंट्रोल करते हैं. इरिगेशन सिस्टम हमारे हाथ में है, जितना चाहिए उतना हम देते हैं. एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी को हम एफिशिएंटली यूज करते हैं इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन ग्रीन हाउस. यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का यूज करके हम ऑफ सीजन में भी प्रोडक्शन कर पाते हैं, जैसे कि कैप्सिकम, टमाटो, कुकुम्बर, कैबेज. आप ये सारे वेजिटेबल्स देखेंगे मार्केट में हर वक्त अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं. इसका तो एक टाइम पीरियड होना चाहिए. हर कोई वेजिटेबल्स का एक टाइम पीरियड होता है, मतलब विंटर सीजन में जनरली वेजिटेबल्स कल्टीवेशन किया जाता है. पर आजकल हर वक्त समर सीजन पे, विंटर सीजन पे, रेनी सीजन में, डजंट मैटर, जब भी आप चाहेंगे ये सारे वेजिटेबल आपको मिलेगा. ऑफ सीजन वेजिटेबल्स भी अवेलेबल हो गए होंगे. तो ये होता है ड्यू टू प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन. हम ग्रीन हाउस में इसको कभी भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि हम एक माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन कर सकते हैं. देन कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हर वक्त अवेलेबल है ये फ्लावर्स, जैसे कि कार्नेशन, रोज, जरबेरा, ऑर्चिड, स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी फिलहाल ये तो कोल्ड रीजन पे होता है, पर नाउ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इसको भी आप कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं. और चीड, जरबेरा, रोज, कार्नेशन. देखिए फ्लावर का एंड फ्रूट का डिफरेंट हॉर्टिकल्चर्स वीडियो अवेलेबल है सेपरेट. कार्नेशन, रोज, जरबेरा, ये सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स है आजकल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अंडर ग्रीन हाउस में हर वक्त अवेलेबल किया जा रहा है मार्केट में, जैसे कि रेज गॉर्ड, बटल गॉर्ड, कुकुम्बर, जरबेरा, चिल्ली, ओकरा, ब्रोकोली, कैप्सिकम एंड फ्लावर्स में जरबेरा, आंथुरियम, रोज. ओके, ये सारे के सारे क्रॉप्स अवेलेबल हैं, ऑफ सीजन क्रॉप्स आप बोल सकते हैं. ऑफ सीजन में भी ये अवेलेबल किया जाता है मार्केट में. मैं 3-4 स्लाइड सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है. ऑप्शन है, आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स या फिर फ्लावर्स दे देगा, बोलेगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इंडिया में ज्यादातर किसको प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो आपको वहीं से चूज करना है. टमाटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर, ये सारे वेजिटेबल्स एंड ये कुछ फ्लावर क्रॉप आपको याद रखना पड़ेगा. इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अंडर ग्रीन हाउस. नाउ बात आता है जरूरत क्या है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का. मैं एक बात तो बता चुका हूं आपको, ऑफ सीजन प्रोडक्शन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का यूज करके आप ऑफ सीजन में भी मार्केट में डिमांड बढ़ा सकते हैं, अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं. उसी के साथ साथ अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आप कर रहे हैं, आप माइक्रो क्लाइमेट को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, इरिगेशन को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब आप ज्यादा यील्ड प्रोडक्शन कर सकते हैं, ईयर राउंड कल्टीवेशन कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, अश्योर्ड प्रोडक्शन. मतलब आपको पता ही है, आप कन्फर्म है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेट रूरल यूथ को आप इस फार्म सेक्टर में यूटिलाइज कर सकते हैं. लिस्ट पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, वेगरीज ऑफ वेदर, मतलब वेदर को गोली मारो, कोई भी टेंशन नहीं वेदर का. आप समर सीजन में भी विंटर क्रॉप कर सकते हो क्योंकि आप एक नया माइक्रो क्लाइमेट बना रहे हो अंडर ग्रीन हाउस. Easier plant protection, weed free cultivation, ये सारे होता है ग्रीन हाउस में.